वे दिगंबरत्व को समृद्ध कर गए, फिर भी हम उन पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने पूछ ही लिया हमसे, क्यों तुम भी सोनगढ़ी हो गए, तुम भी कांजे स्वामी के हो गए। हम बस इतना ही कह पाए, हम उनके नहीं, वो हमारे हुए हैं। हमने श्वेतांबर नहीं, उन्होंने दिगंबर धर्म अपनाया है। हमने स्थूलभद्र के ग्रंथ नहीं पढ़े, बल्कि उन्होंने दिगंबर मुनि कुंदकुंदाचार्य आदि पूर्वाचार्यों के चारों अनुयोगों के 37 ग्रंथ सभा में आद्योपांत पढ़ाए और स्वयं ने सैकड़ों ग्रंथ सैकड़ों बार पढ़े हैं। उनकी प्रभावना से श्वेतांबरों के नहीं, बल्कि सैकड़ों देश विदेश में दिगंबर जैन मंदिर बने हैं। उनके सानिध्य में श्वेतांबर आमनाय के नहीं, अपितु दिगंबर धर्म के जैन आमनाय के प्रकांड विद्वान तैयार हुए। उनकी प्रेरणा से श्वेतांबर परंपरा के नहीं, बल्कि अनेकों अनुपलब्ध दिगंबर जैन परंपरा के ग्रंथ जन जन के हाथों में पहुंचे हैं। आज जहां जैन ही जैनियों को जैन धर्म के सिद्धांत आचरण नहीं सिखा पा रहे हैं, वहां उन्होंने जैनेतरों को भी दिगंबर जैन धर्म के गूढ़ सिद्धांत सिखा दिए और श्रद्धा से व आचरण से उन्हें दिगंबर जैन बना दिया है। उनकी प्रेरणा से श्वेतांबर परंपरा के नहीं, बल्कि दिगंबर जैन परंपरा के तीर्थों के संरक्षण का काम हुआ है। उनके सानिध्य में श्वेतांबर संस्कारों के नहीं, बल्कि दिगंबर जैन परंपरा के संस्कारों के शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत हुई। उनके सानिध्य में दिगंबरों ने अन्य मत नहीं, बल्कि 5 लाख से अधिक अन्य मतियों ने दिगंबर जैन धर्म स्वीकार किया। उन्होंने हमें अपना पूरा जीवन दिया, उन्होंने हमें दिगंबर मंदिर दिए, उन्होंने हमें दिगंबर जैन साहित्य जिनवाणी दी। हमारे समक्ष दिगंबर आचार्यों की वाणी का हृदय खोला, उन्होंने हमें जिनवाणी के गूढ़ रहस्य बताए, उन्होंने हमें अध्यात्म सिखाया, उन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया। इस परिप्रेक्ष्य में विचार कीजिए और बताइए कि वे हमारे हुए इसलिए हम उनके हुए, जो उनके न हुए वे न जाने किस किसके हुए। इसलिए विचार कीजिए कि हम क्यों उनके हुए और वे क्यों हमारे हुए। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजे स्वामी को समर्पित ज्ञाता सिंह सेवनी।